लुक एट दिस, ये दलिया है और उसके ऊपर मैंने ब्लूबेरीज डाल दी हैं, और ये है मेरी एग, मेरा है एग वाइट। मेरी प्लेट टूट गई एंड लुक एंड आई गॉट हर्ट। लुक, कैन यू सी दैट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी, उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर वफिये से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। लेकिन सबसे पहले भाई, आई डू अपोलोजाइज, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने भाई पिछले अगेन 5 डेज से मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया यार। बस जॉब की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था, एंड इट वॉज सो मच वर्क टू डू एट वर्क, जिसकी वजह से मैं काफी बिजी था। और जॉब से घर आता था, फिर आके आई कुडंट इवन स्लीप। मेरे लिए पता नहीं क्यों बहुत हार्ड हो गया था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन खैर, अल्हम्दुलिल्लाह आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो आज तो लाजमी व्लॉग बनाऊं। क्योंकि यार देखो, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई हर 2 दिन बाद, नहीं तो 3 दिन बाद व्लॉग लाजमी आ जाएगा। लेकिन इट्स बीन लाइक 2 टाइम्स कि मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। खैर, तो ये आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाते हैं। और व्लॉग क्या है कि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना बैक का वर्कआउट शेयर करूं। आज का व्लॉग बनेगा जिम में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। तो अभी भाई आज छुट्टी थी जॉब से, तो फाइनली आज थोड़ा सोया हूं, तो सो के उठा हूं। तो अब ये है कि पहले हम कुछ खाएंगे, वरना आपको पता है मैं उठते साथ कॉफी पी के जिम चले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरी छुट्टी होती है ना, तो मैं रात को जाता हूँ, तो रात को जाने से पहले मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, जिसमें हो गया ओटमील और एग्स। अंडों की सफेदी खाता हूं और दलिया खाता हूं, ठीक है ना। तो अभी मैं यही करने लगा हूं कि मैं दलिया बनाने लगा हूं और अंडे बनाने लगा हूं, वो खाऊंगा, वो मैं बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। वो खाऊंगा, उसके बाद लाइक 35-45 मिनट्स के बाद कॉफी पियेंगे और फिर हम जाएंगे जिम इंशाल्लाह। आज का जो व्लॉग है, मैं आज आप लोगों के साथ अपना बैक वर्कआउट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो जब तक मैं अंडे और ऑटमील बनाता हूं, आप लोगों का क्या काम है, प्लीज गो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी अल्लाह जजा दे आप सब लोगों को। मैं जरा बना लूं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैंने क्या बनाया। ओके, स्टे ट्यून, आई विल सी यू गाइस आफ्टर। सोचा मैं ये भी दिखा दूं कि भाई मैं जो अंडों की सफेदी है, आप लोगों को यहां से भाई हमें तो मिल जाती है, पता नहीं पाकिस्तान में मिलती कि नहीं मिलती। ये है जी वो सफेदी, इसमें सिर्फ अंडों की सफेदी है, कोई जर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। और उसमें देख लो कितनी कैलोरीज आती हैं, जस्ट लाइक 25 कैलोरीज, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गई, और उसके अलावा अब ये है जी मेरा ओटमील दलिया, ठीक है। बस ये दोनों बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद हाँ इशा की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जिम इंशाल्लाह। लेट मी कुक, देन आई विल शो यू कि दिखने में कैसा लगता है बनके। स्टे ट्यून। कहते ना, जब बैड लक चल रही हो तो तब कुछ भी हो सकता है। ये देखो, मेरी प्लेट टूट गई एंड लुक एंड आई गॉट हर्ट, दैट इज क्रेजी। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, मैं प्लेट वॉश कर रहा था कि भाई अंडे बना के उसके अंदर रखूंगा, लेकिन इट्स ब्लीडिंग। सो एनीवेज, लेट मी क्लीन अप, स्टिल गॉट टू कुक, सो स्टे ट्यून, आई विल सी यू गाइस। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं क्या हो गया। तो जी, खाना तैयार हो गया, लुक एट दिस, ये दलिया है और उसके ऊपर मैंने ब्लूबेरीज डाल दी हैं, और ये है मेरी एग, मेरा है एग वाइट, दैट्स इट। ये है जी मेरा प्री वर्कआउट मील, दैट्स व्हाट यू कॉल आई गेस, या प्री वर्कआउट मील। चलते हैं जी। यार ये चोट लगी है तो छोटी सी, पर ब्लड बहुत निकला यार, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट स्टिल ब्लीडिंग। मुझे बैंडेड भी नहीं मिल रही कि मैं उसके ऊपर लगा लूं। खैर चलो जी, खा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। खाने के बाद हम लोग इशा की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे जो होगा साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। सो दैट वॉज द मील, ओके, सो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस आफ्टर। 2 hours later। ओके गाइस, तो ये खाना वाना खा लिया, नमाज भी पढ़ ली और कॉफी भी पी ली, अब हम जाने लगे हैं जिम। और अब मैं जिम के लिए शूज पहन रहा हूं, लेट मी शो यू व्हाट हैपन। लुक, कैन यू सी दैट? भाई ये मैं गिर गया,
और मेरे बूट फट गए, पाँव अड़ा और मैं गिर गया। खैर आप लोगों ने देखा होगा कई दफा आई ऑलवेज वेयर वाइट शूज बिकॉज आई लव वाइट शूज। आई डोंट नो व्हाई, पता है जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी गंदे हो जाते हैं, पर क्या करें जी। आई थिंक अब जाके शूज लेने पड़ेंगे। लुक एट दैट, सी दैट मैन। एनीवेज अब तो जिम जाना है, सो लेट्स गो टू द जिम। ये पहन जाते हैं नहीं तो दूसरे बूट पहन जाते हैं। खैर लेट्स गो टू द जिम एंड आई विल सी यू गाइस एट द जिम। स्टे ट्यून्ड। A few inches later. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा प्लान है आज फुल बैक वर्कआउट का, शोल्डर एंड बैक वर्कआउट। देखता हूँ, फिलहाल बैक से स्टार्ट करते हैं, शोल्डर बाद में करते हैं, या वन सेट शोल्डर या वन सेट बैक, जैसा भी है। बाकी आई एम एट द जिम नाउ और टाइम हो रहा है रात 2:15 बज रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट वर्कआउट नाउ, विल सी। ओके ओके गाइस, तो मेरा ये वार्म अप सेट है, ठीक है, तो लेट्स डू इट। दो वार्म अप सेट लगाऊंगा, एक्चुअली तीन वार्म अप सेट लगाऊंगा लाइट वेट के, और उसके बाद मैं एक्चुअल सेट शुरू करूंगा, ठीक है। सो लेट मी वार्म अप, देन आई विल शो यू माय सेट। से मैं एक बात बता दूं, मैंने वार्म अप सेट लगा लिया, मैं अपने एक्चुअल सेट लगाने लगा हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पहले वाइट टिप लगा रहा हूं, वाइट लगाऊंगा उसके बाद क्लोज, बाकी जैसा जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। बस आप लोग देखते हैं, जो जिम में म्यूजिक चल रहा है ना उसकी वजह से शायद ना कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं मोस्टली वीडियो जो है ना उसको साइलेंट पे बनाऊंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि कॉपीराइट ना आए। ओके सो आई विल शो यू लाइक फर्स्ट सेट, 10-12 रैप्स मैं निकालूंगा और 3 सेट लगाऊंगा। ओके वाइड सेट, वाइड ग्रिप वाला सेट लगा लिया, क्लोज ग्रिप लगाऊंगा सेम एंगल में, तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। लेट्स डू इट। इसमें वार्म अप सेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सेट लगेगा भाई यहाँ पे। एक्सरसाइज के 3-3 सेट दोनों के लगा लिए, सेम वही ग्रिप यूज करूंगा बैक के, तो हम आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं ये कैसा लगता है। सो लेट्स डू इट। तो मेरे 3 सेट हो गए हैं, अब यही चीज़ मैं सिंगल आर्म से लगाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं एक और वर्कआउट है वो साथ करूंगा, यानी कि एक सेट इसका एक सेट दूसरी एक्सरसाइज का, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। पहले ये कर सोचा था मैं एक सेट शोल्डर का लगाऊंगा, एक बैक का लगाऊंगा, पर मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ
बैक कवर पर कर दूँ, ठीक है, ताकि ब्लॉग जो बैक कवर कोड है वो तो आप लोगों को पूरा शेयर कर सकूँ। शॉर्ट रखें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर दूँगा, तो उससे इस बैक कवर कोड का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, आपने देखा ही मैंने स्क्रू रख दिया, आप इसके बगैर भी कर सकते हो, लेकिन मैं इससे करता हूँ जब मुझे मैं नीचे जाता हूँ ना, आई फील मोर स्ट्रेच हो गया, दिस इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस। सो लेट मी शो यू ये मैं कैसे वर्क करता हूँ। अगेन क्लोज ग्रिप है, तो लेट्स डू इट। जब नीचे जाएंगे पूरा स्ट्रेच करना लाइक दिस, जब ऊपर आएंगे स्कूल से बैठ। मेरा लास्ट वर्कआउट है बैक बैक का, इसके बाद आई एम डन। सो लेट मी शो यू दिस। तो वन हैंड पे आई ऑलवेज मैच इन अप टू साथ, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। So, on the end right here. ओके गाइस, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट डन। जब से वर्कआउट किया मैंने पानी नहीं पिया, तो ये सामने फाउंटेन है, यहाँ से पानी पियेंगे। हसल फॉर द मसल। एनीवेज पानी पीते हैं, घर चलते हैं और घर जाके इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाकी जिम तो आई थिंक मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले, इट्स नाइस। एनीवेज घर चलते हैं, शेक पियेंगे और शेक पीने के बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। लेट मी ड्रिंक वाटर, आई विल सी यू गाइस होम, स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गया था और आके शेक भी बना लिया, ठीक है, तो शेक पीते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, इस व्लॉग को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जी मेरा आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं ऐसे वर्कआउट करता हूँ, आई एम नॉट अ पर्सनल ट्रेनर और प्रोफेशनल ट्रेनर, जो मुझे जितना मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक मैं ऐसे वर्कआउट करता हूँ। ओके, एनीवेज बस जी यही था मेरा व्लॉग, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज अपना वर्कआउट शेयर करूँ, तो एंड आई डिड अल्हम्दुलिल्लाह। सो वंस अगेन आई डू अपोलोजाइज कि मैं फिर 5 दिनों बाद, या इट्स बीन 5 डेज, आफ्टर 5 डेज आई एम पोस्टिंग दिस व्लॉग, आई एम सो सॉरी, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पोस्ट माय व्लॉग एवरी अदर डे, लाइक एवरी आफ्टर 2 डेज, जो मैंने आप लोगों को कहा जो 3 दिन बाद व्लॉग लाजमी इंशाल्लाह पोस्ट कर दिया करूंगा, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये आज के व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइस इन अ नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।